जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री हनुमान जी की जन्मकथा के बारे में। हनुमान जी की जो जन्मकथा है, यह दो तरीके की बताई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कहानी दूसरी है, और दूसरी भी पौराणिक कथाओं के अनुसार दो कहानियाँ ऐसी आती हैं जिसमें हनुमान जी का जो जन्म के बारे में, ये दोनों में अलग अलग तरीके की जो है कहानी निकल के आती है सामने। दोनों कहानी में क्या क्या पहलू हो सकते हैं, वो दोनों आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ, एक बात और है, आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कहानी कैसे कैसे शुरू होती है, पहले पार्ट में क्या है और दूसरे पार्ट में क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम भक्त हनुमान, जो कि बल बुद्धि विद्या के स्वामी कहे जाते हैं, देवताओं में उन्हें सदैव अजर और अमर रहने का वरदान मिला हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। यही कारण है कलयुग में भी उनके होने के संकेत कभी ना कभी मिलते रहते हैं। हनुमान जी मुख्यतः जो है भगवान भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं, और जो यह हनुमान जी का रूप है यह रुद्र अवतार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब हनुमान जी का उन्होंने अवतार लिया था तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करे, जैसे भगवान श्री राम के साथ जो है रावण के साथ युद्ध करना, तो उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण से उनको रुद्र अवतार भी कहा जाता है। कहानी का पहला भाग यह है कि जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जा रहा है कि जब राजा दशरथ थे उनके कोई संतान नहीं थी, जैसे कि बाद में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी लोग हुए थे। तो जब वो राजा दशरथ जो थे उनके जो है कोई भी संतान नहीं थी, तो वह काफ़ी परेशान रहते थे। उस समय हुआ क्या था, जो उनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ, तो उन्होंने जो है काफ़ी समय तक जो है विचार विमर्श करने के बाद जो है उन्होंने उन्हें जो है पुत्र प्राप्ति का जो यज्ञ होती है उसका जो है बताया कि यह यज्ञ करवाओगे तो जो है आपको इसमें बहुत सारे जो है विद्वान आते हैं और तरह तरह के यज्ञ करते हैं, तो इस यज्ञ को करने के बाद जो है पुत्र की प्राप्ति या घर में जो है आपके जो संतान है उसकी प्राप्ति जरूर होती है। तो जैसा कि गुरु वशिष्ठ ने बताया जो है, उसके बाद जो है राजा दशरथ ने जो है यज्ञ भी करवाया, और यज्ञ में जो है बहुत सारे विद्वान आए, बड़े बड़े विद्वान आए, और कई सौ ऐसी मान्यता है कि काफ़ी समय तक जो है वह कई वर्षों तक जो है यज्ञ चलती रही। और उसके बाद जो है एक विद्वान आते हैं, जो महात्मा आते हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से यज्ञ किया कि वह जो है यज्ञ पूरी सफलतापूर्वक माना गया। और उसके बाद जब यज्ञ सफल हुई तो उस समय जो है उस यज्ञ में से जो है अग्निकुंड में से जो है जो अग्निदेव होते हैं वह अपने हाथों में जो है प्रसाद के रूप में, जैसा कि आप सभी पता है कि खीर लेकर प्रकट होते हैं, और खीर जो है कि जैसे राजा दशरथ होते हैं जैसे कि वो अपना यज्ञ में अपना आहुति डालते रहते हैं, उसके हिसाब से जो है उनको प्रसाद देते हैं। और जो वो महान विद्वान थे उन्होंने जो है उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जो है सारी विधि बताई, और उसके बाद जो है अग्निदेव जो है वह जो है अपना जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे जो है जो दशरथ होते हैं राजा दशरथ जो है वह प्रसाद बांटने के लिए जो है अपनी जो रानियां होती हैं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिए जाते हैं, जैसे कि आप सभी पता है। जैसे कौशल्या और कैकेयी जो है अपना अपना प्रसाद खा लेती हैं, लेकिन जैसे ही सुमित्रा अपने हिस्से का जैसे प्रसाद उठाया, तभी अचानक जो है एक जो गरुड़ होता है पक्षी, आप सभी को पता है, वो प्रसाद जो है अपनी चोंच में जो है उठाकर जो है वह जो है उड़ जाता है लेकर। तो ऐसी मान्यता है कि जब वो गरुड़ जो है लेकर उड़ जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है गरुड़ जो है भगवान विष्णु का ही जो है वाहन है, और उसी तरीके से ये भी मान्यता है कि ये जो पूरी घटना हो रही थी इसमें पवन देव, भगवान भोलेनाथ और जो विष्णु भगवान थे, इन जो है तीनों के जो सृष्टि मतलब जो चला रहे थे हवा, पानी, आकाश जैसे भी था, इन तीनों लोगों को मिली भगत थी कि ये जो हो रहा था इन सब के साथ में ये होने वाला था। उधर अंजना माता जो है एक जो है पहाड़ पे जो है भगवान जो भोलेनाथ हैं उनकी जो है तपस्या कर रही होती हैं, कई सौ साल पहले से वो तपस्या कर रही होती हैं। और जब यह गरुड़ जो है उड़ता हुआ जाता है और उसके हाथ से जो दोना ले रखा होता है, प्लेट ले रखी होती है, वह जो है छूट जाता है, और जो है जो अंजना माता होती हैं उनके जाकर सीधा गोद में ही वह जो है गिरता है, और वह जो है भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझकर जो है उसको ग्रहण कर लेती हैं। और वहीं से ऐसी मान्यता है कि जो है वहीं से ये जो है उनको जो है हनुमान जी का जन्म होता है, क्योंकि वह जो है भगवान भोलेनाथ की ही जो है तपस्या कर रही थी, और जो हनुमान जी जब पैदा होते हैं तो हनुमान जी के ही रुद्र अवतार में, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना होने के लिए कोई कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य चाहिए होता है भगवान को कि इस कारण से ये चीज़ हुई है। तो जैसे कि वो
अपना लगी हुई थी जो है भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या करने में, लेकिन एक गरुड़ जो है एक खीर का जो है प्लेट लेकर उड़ता हुआ आता है, और जहाँ पर माता जो है अंजना माता जो है तपस्या कर रही होती है भगवान भोलेनाथ को, उन्हीं की जो है गोद में गिरता है और वह जो है भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझ कर जो है खा लेती हैं, तो उनकी जो है उन्हीं से जो है फिर भगवान जो है हनुमान जी का जन्म होता है। तो यह था कहानी का पहला पार्ट। अब जानते हैं कहानी का जो दूसरा पार्ट है, ये काफ़ी अच्छी कहानी है। एक अन्य कथा के अनुसार जो है ये जो है देवताओं के जो राजा हैं इंद्र स्वर्गलोक में, वहाँ पर जो है जो अप्सराएं होती हैं, जैसा आप सभी को पता है कि उनके जो है अप्सराएं उनके यहाँ पर हमेशा जो है जो नृत्य करती रहती हैं, उन्हीं अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिकस्थला। जो पुंजिकस्थला थी वह काफ़ी चंचल थी, और इसी कारण से जो है यहाँ सारी पूरी जो है कथाएँ जो है शुरू होती हैं। ऐसी मान्यता है कि एक समय की बात है जो है इंद्र की जो सभा है वह सभा चल रही होती है जो है, और उसी समय जो है सारी अप्सराएं जो है नृत्य कर रही होती हैं, तभी जो है दुर्वासा ऋषि जो है उस जो है इंद्र के जो लोक है स्वर्गलोक में जो है उनका आगमन होता है। देवराज इंद्र जो है तभी जो है जो दुर्वासा ऋषि होते हैं उनके बीच कुछ बातचीत चल रही होती है। दुर्वासा ऋषि और इंद्र के बीच जो है काफ़ी सारी जो है बातचीत हो रही होती है। उसी बीच में जो ये अप्सरा हैं पुंजिकस्थला, ये जो है काफ़ी चंचल स्वभाव की होती हैं, तो ये जो है काफ़ी इधर उधर जो है जा रही होती हैं, किसी के साथ थोड़े से शरारती वाली तथ्य जो है वो कर देती हैं। तो उस समय जो है दुर्वासा ऋषि को कई बार जो है ऐसा लगता है कि जो है यह गलत कर रही है, तो एक दो बार तो नहीं बोलते हैं लेकिन कई बार होने के बाद जो है उनकी जैसे इंद्र के साथ जैसे बातचीत चल रही होती है तो उसमें जो है उनको विघ्न पड़ा जो है दो तीन बार, जैसे वो इधर उधर जा रही चंचल तरीके से थी तो ऐसा कर रही थी, तो उनको जो है जो दुर्वासा ऋषि थे उनको जो है क्रोध आ जाता है, और जो है वह जो पुंजिकस्थला जो एक अप्सरा थी उसको गुरु जो दुर्वासा होते हैं वो जो है उसको जो है एक श्राप देते हैं, और उसको श्राप कुछ इस तरीके का देते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम जो है अगले जन्म में जब तुम्हारा ये जन्म ख़त्म होगा, अगले जन्म में जब तुम पैदा होगी तब जो है तुम्हारी शादी किसी जो है बंदर से होगी, क्योंकि तुम इतनी चंचल हो, तुम बंदर की तरह इधर उधर जो है घूम रही हो, इस कारण से जो है गुरु दुर्वासा जो है उसको ऐसा श्राप देते हैं। जब वह ऐसा श्राप सुनती है तो रोने लगती है, क्षमा याचना करने लगती है, और फिर उसके बाद जो है काफ़ी जो इंद्र देवता होते हैं वो भी उसके गिड़गिड़ाने पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सारे देवता होते हैं वो समझाने लगते हैं गुरु जो दुर्वासा हैं होते हैं उनको जो है शांत कराने लगते हैं। उसके बाद जो है जो दुर्वासा ऋषि होते हैं वो जो है यह तो कहते हैं मैं जो अपना श्राप जो दिया है वह तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें, जो है तुम्हारा जन्म जब पृथ्वी लोक पर होगा तो वानर श्रेष्ठ राजा वीरज के यहाँ पर तुम्हारा होगा, और तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप भी बदल सकोगी। तुम भविष्य में महापराक्रमी महाबली बलशाली और तेजमय एक ऐसी माता बनोगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो, जिसकी ख्याति युगों युगों तक स्थापित रहेगी, कलयुग में उसका बहुत बड़ा नाम होगा, और ऐसी भी धारणाएं आएंगी आपकी ज़िंदगी में कि आप सोच नहीं सकती हैं। आपके भगवान श्री विष्णु भगवान राम के रूप में जो है आपके जो पुत्र होंगे उनके साथ जो है जब वो निकलेंगे अपनी सफ़र पे तब जो है उनके साथ जो है काफ़ी बड़ी बड़ी भूमिकाओं में नज़र आएंगे, तो यह आपके लिए काफ़ी बड़ा कार्य सिद्ध होगा। इतना बोलते हैं जो दुर्वासा ऋषि होते हैं तो जो माता होती हैं पुंजिकस्थला वह जो है उनके पैरों में पड़ जाती हैं और उस श्राप को जो है वह अपने स्वीकार कर लेती हैं, और उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है और तब वह राजा वीरज के यहाँ जो है उनका जन्म होता है, और जन्म जब होता है तब आप सभी को पता है उनका नाम जो है पहले से ही यह सारी चीज़ें जो घटनाएं हैं सृष्टि में वह हो चुकी होती हैं लिखी गई होती हैं, तो जैसे उनका जो है जन्म होता है तब उनका नाम जो है राजा वीरज जो है इनका नाम जो है जो पुंजिकस्थला थी उनका नाम जो है अंजना रखा जाता है। जब ये भी एक मान्यता है कि जब वह जो है उनके साथ कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई जब वह वानर राज के यहाँ वह हालांकि जन्मी थी लेकिन जब वह छोटी थी तब जो है एक बार जो है वह अपने पार्क में खेल रही होती हैं वहाँ पर एक बंदर जो है एक पैर पर जो है खड़े होकर जो है तपस्या कर रहा होता है, तब जो है ये जो अंजना थी उस समय भी जो है काफ़ी चंचल थी, तब इन्होंने जो है उसको पत्थर से या डंडे से मारने की कोशिश करी थी। वह जो बंदर जिसको जो है ये तपस्या भंग कर रही थी माता अंजना,
वह बंदर जो है उसकी तपस्या तो टूट जाती है, लेकिन वह जो है एक श्राप देकर चला जाता है। लेकिन अंजना माता जो है काफ़ी छोटी उम्र की होती हैं, तो उनको उसके बारे में समझ नहीं होता। जैसे वो बोल देते हैं कि जब कभी तुम्हारा बच्चा होगा ना, तब तुम्हें जो है इसके बारे में पता चलेगा कि जो है जो आप कर रही हो आज, और वही हुआ जब उनके साथ, जैसे कि जब आपको सभी पता है उनका जो है वानरराज केसरी के साथ जो है माता अंजना का विवाह होता है, उसके बाद हनुमान जी का जन्म होता है। अब हनुमान जी का जब जन्म होता है तो आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात तो जितने भी देवी देवता हैं सब उनका जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि साथ साथ जो भगवान भोलेनाथ हैं वह जन्म लिए थे अपने रुद्र अवतार में, एक बात ये होती है। उसके बाद जैसे कि कुछ बड़ी बड़ी घटना, जैसे छोटे थे जब जाकर उन्होंने जो है सूर्य को निगल लिया, इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उनकी ज़िंदगी में। तो जो आप जैसे कि माता अंजना ने जो अपने बाल बचपन में जो किया था वो जो है बड़े पे जाकर उनको सामने दिखाई दे रहा। जैसे कि हनुमान जी पैदा होते के साथ ही कई सारी घटनाएं घटती हैं, आकाश हो गया, इंद्र देवता हो गया, जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वो सबके लिए उनके लिए कई सारी समस्याएं खड़ी है, क्योंकि जो चंचलतापन जो है माता अंजना के अंदर थी वही सेम हनुमान जी के अंदर आ जाती है। और वो जैसे कि सूर्य को निगलना या इंद्र के साथ युद्ध करना, कोई भी दिख जाता है उसके साथ युद्ध करना, छोटे थे उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो यह जो घटनाएँ हो रही थी तो वह सारी चीज़ें उस चीज़ से जुड़ी हुई थी जो माता अंजना की ज़िंदगी में लिखी हुई थी पहले से ही, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के अवतार थे हनुमान जी। तो यह भी मानने वाली बात थी कि जो कुछ होने वाला था वह पहले से ही पृथक एक निवारण था कि ये चीज़ें होने वाली हैं, और भगवान भोलेनाथ को पता था और उधर जो है भगवान विष्णु को भी पता था। इसी तरीके से समय बीतता है, जैसे आप सभी को पता है उसके बाद जो है जिस समय जो है भगवान श्री राम जो है अपना वनवास खत्म करके जब वो अपने पुष्पक वाहन से जो है आते हैं अयोध्या लौट रहे होते हैं, उस समय जो है हनुमान जी भी साथ में होते हैं और माता सीता भी साथ में होती हैं, लक्ष्मण भी साथ में होते हैं। उस समय जो है होता क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता है हनुमान जी के जो है भगवान श्री राम खुद कहते हैं कि मैं एक बार जो है आप जहाँ रहते हो आपके घर चलना चाहता हूँ और जाकर आपकी माता से मिलना चाहता हूँ, आपके जो भी घर परिवार हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह देखो आप रामायण अगर आपने देखा होगा तो पूरी रामायण में भी या जो बिल्कुल अंत का पार्ट होता है वहाँ पर भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि हनुमान जी से जो है मिलने के लिए जो है भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ जो भी जब वो वनवास से लौट रहे होते हैं तब जो है वह जो है हनुमान जी जो है भगवान श्री राम जो है माता अंजना के जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद जाने के बाद जो है जैसे कि उनके घर पहुंचते हैं हनुमान जी के, वहाँ पर माता अंजना के जो है जैसे ही दर्शन होते हैं तो जो भगवान राम होते हैं खुद वह यह बात बोलते हैं, जबकि ये भगवान विष्णु जो भगवान राम के रूप होते हैं उनको भी ये सारी बातें पता होती हैं, लेकिन जो माता अंजना थी उनको यह बात नहीं पता थी। तो वह जाकर ये बोलते हैं कि ये जो आपका भगवान श्री राम ही यह बात बोलते हैं कि जो आपका यह तेजस्वी पुत्र को जन्म देने के लिए आपकी काफ़ी सारी उन्होंने प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी थे उन्होंने जो है भगवान राम का आप सभी को पता है कि उन्होंने कितना सारा साथ दिया। जब से जो है सीता माता का जो है ढूंढने के लिए निकलते हैं तब से लेकर जब तक रावण का की मृत्यु तक जो है हनुमान जी पूरा साथ देते हैं। उसके बाद भी जैसे कि वो वापस आते हैं फिर हनुमान जी के परिवार से मिलते हैं भगवान श्री राम, और उसके बाद जब वो जाने लगते होते हैं तब जो है हनुमान जी को एक आशीर्वाद भी देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भगवान राम हैं वो हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया था उन्होंने कहा था कि जाओ हनुमान तुम जो है कलयुग में भी तुम जब तक कलयुग रहेगा तब तक तुम कलयुग में भी तुम्हारा काफ़ी सारा नाम होगा और तुम्हें लोग हनुमान जी के नाम से पूजेंगे पूरे कलयुग में, और तुम्हें जो है जब भी, और उसके बाद आप सभी को पता है कि जैसे कि रामायण होने के बाद जैसे कि बात होती है कि महाभारत भी होती है, तो महाभारत में आप सभी को पता है कि हनुमान जी जब धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं तो वो महाभारत में भी दिखते हैं, और उसके बाद जब महाभारत जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी हनुमान जी जो है धरती पर रहते हैं, और आज भी हनुमान जी ऐसी मान्यता है धरती पर हैं। और वह इस समय कहाँ पर हैं, जैसे कि कैलाश मानसरोवर आप सभी लोग जानते हो, कैलाश मानसरोवर पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है पूरे परिवार के साथ। उसी के बिल्कुल अगर उत्तर में देखेंगे तो एक जो पहाड़ दिखता है वह उस पहाड़ का नाम है स्कंद मादन नाम का पहाड़ है। वो ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके थे तब जो है
और उस समय ही जो है वो भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं। हालांकि उनका खुद का अवतार होता है, लेकिन जो है अपने शरीर को एक जगह ले जाके स्थापित करना या शरीर को त्यागने की बात होती है, तो वहाँ पर जो है याद करते हैं भगवान भोलेनाथ को। और भगवान भोलेनाथ जो है वो वहीं पर बुलाते हैं, जब उनकी ध्यान साधना करते हैं तो बुलाते हैं, कहते हैं आप आ जाइए यहाँ कैलाश मानसरोवर के पास, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो हनुमान जी यहाँ जैसे कि महाभारत का युद्ध ख़त्म होने के बाद काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, फिर वो जो है सीधा जो है उसी साइड के लिए निकल जाते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो काफ़ी समय तक जो है वो जो है भगवान है भगवान भोलेनाथ का स्थान कैलाश मानसरोवर, लेकिन जो है वहाँ पर जाकर भगवान जो हनुमान जी होते हैं वो काफ़ी समय तक तपस्या करते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उनको जो है दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद उनसे यह कहते हैं कि देखो अब मेरा तो यहीं का निवास स्थान है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर पर भगवान भोलेनाथ बसे हुए हैं, और उसी के बिल्कुल जो सामने जो पहाड़ दिख रहा, और वह पहाड़ जो मैं बता रहा हूँ स्कंद मादन नाम का जो पहाड़ है, वह पहाड़ आप दूर से देखोगे तो आपको सिर्फ बिल्कुल हनुमान जी की रूप रेखा दूर से ही दिखाई देती है। जैसे कि कैलाश मानसरोवर पर भगवान भोलेनाथ की रूपरेखा दिखाई देती है, उसी तरीके से जो स्कंद मादन नाम का पहाड़ है वह सिर्फ हनुमान जी की ही छत्र छाया की जैसी ही दिखाई देती है। तो वहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद पाकर और जो है वहाँ पर जो है अपना शरीर उसी पहाड़ पर जो है त्याग देते हैं, और उनका जो पूरा शरीर है उस पहाड़ के भांति, क्योंकि हनुमान जी जब अपना शरीर त्याग कर रहे होते हैं तो वहीं पर जो है वो बैठ जाते हैं एक तरीके से साधना में, और उस पूरे पहाड़ में समा जाते हैं पूरे शरीर को, क्योंकि हनुमान जी का रूप आप सभी को पता है। साथियों इसी तरीके से एक और कहानी प्रचलित है, लेकिन यह काफ़ी छोटी कहानी है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी से के जन्म की जितनी भी कहानी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कभी भी अगर कोई पूछ सकता है तो हमें पता होना चाहिए कि कैसी कैसी क्या चीज़ें हो सकती हैं। समुद्र मंथन जब आप हो रहा था, जैसा कि आप सभी को पता है कि समुद्र मंथन होते समय जिस समय अमृत निकला था और एक समय जो है विष भी निकला था, तो उस समय होता क्या है कि जब असुर जो है अमृत लेकर भागने लगते हैं, उस समय जो है असुर लेकर भाग जाते हैं छिपा लेते हैं, तो भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी का रूप रखा था, और मोहिनी का रूप रखते हुए जो है अमृत कलश ले लेते हैं और देवताओं को सारा अमृत पान करा देते हैं। लेकिन एक राक्षस होता है जो राहु नाम का राक्षस होता है, वह धोखे से जो है थोड़ा सा अमृत पी लेता है, जिसका जो है भगवान विष्णु ने जो है अपने रूप में आकर उसका जो है गला भी जो है काट देते हैं, लेकिन तब भी वह उसका जो सर होता है वह तो अमर ही रहता है। उधर जो भगवान भोलेनाथ होते हैं, वह जो है जब भगवान विष्णु जो है सुंदरी का रूप बनाकर जो है और अमृत पान जो है देवताओं को करवा रहे होते हैं, उस समय जो है जो भगवान भोलेनाथ होते हैं वह जो है जो भगवान विष्णु होते हैं उनका रूप देखकर जो है इतना ज़्यादा मोहित हो जाते हैं कि उनका जो है तेज जो है भगवान जो भोलेनाथ हैं उनका तेज जो है रखलित हो जाता है। और भगवान शिव के उस तेज को संभालने के लिए, जो भगवान शिव को जो है उस तेज को ख़त्म करने के लिए, उनको वश में पाने के लिए जो है ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जो है उनके तेज को संभालने के लिए जो है सभी देवताओं की सलाह मानकर जो है भगवान विष्णु ने एक ऐसी इस तरीके से रूप प्रदान करते हुए जो है तपस्या कर रही थी माता अंजना उस समय जो है पहाड़ों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पूरी तेज को उठाकर जो है अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। और वो जैसे ही अंजना माता के गर्भ में स्थापित होता है और वही भगवान जो भगवान भोलेनाथ होते हैं जो इतना ज़्यादा मोहित होते हैं, उन्हीं का रुद्र और उन्हीं का तेज पाकर जो है बाहुबली श्री हनुमान जी का जन्म होता है। यह भी एक छोटी सी कथा है, लेकिन काफ़ी समझने वाली कथा है कि कुछ ऐसा भी हुआ था। यह सारी जो भी कथाएं मैंने बताई, यह पौराणिक आधार पर बताई गई हैं। तो साथियों कैसे लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा बहुत जल्दी वीडियो लाने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ अगर वीडियो पूरी देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।